तो गाइस ये है TVS स्पोर्ट जो कि जेड ब्लैक में है, आप देख रहे हैं ये जेड ब्लैक में TVS स्पोर्ट है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे साथ में है TVS की स्पोर्ट, और गाइस आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी रेड नोज पिक्चर में। तो गाइस आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, आए हैं या नहीं आए हैं, ऑन रोड कितने गए हैं, इस बारे में आपको सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो गाइस शुरू करते हैं इसके फ्रंट की हेडलाइट से। फ्रंट की इसकी हेडलाइट कुछ इस तरह की है जो कि हैलोजन में आती है गाइस, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आपको ये बल्ब दिखेगा, इसमें एलईडी में नहीं है, हैलोजन में है, और यहाँ TVS का आपको लोगो मिल जाता है गाइस। और ये जेड ब्लैक में इसका एक जो है मडगार्ड मिल जाता है आपको, जो कि फाइबर में है यानी कि प्लास्टिक में है। और आगे के सस्पेंशन की बात करूँ तो ये 31 mm के सस्पेंशन है जो कि ब्लैक में है। और जो आएगा टायर गाइस वो आपको 17 inch का टायर मिलेगा, ये अलॉय व्हील 17 inch का है। और इसमें जो है TVS के गाइस में टायर देखने को मिल जाएंगे, TVS के हैं, ये रहा 2.7517 का टायर है इसमें। और जो आएगा इसमें ब्रेक है गाइस वो ड्रम ब्रेक है, 130 mm का इसका ड्रम ब्रेक आएगा, और ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको। और इंडिकेटर्स आपको वही मिलते हैं हैलोजन वाले ऑल टाइप के, ये भी और ये भी। और ये गाइस सिंगल हैंडल बार में आती है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये इसके मिरर्स हैं जो कि एडजस्ट हो जाते हैं कैसे भी। और ये इसकी चाबी है इस तरह की, कुछ इस तरह की इसकी चाबी है गाइस। अब इसका स्विच ऑन नहीं है, बंद है। यहाँ आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ फ्यूल का। और गाइस ये इसका जो फ्यूल टैंक है ये जेड ब्लैक में है, इसमें 10 लीटर तक की इसमें कैपेसिटी है पेट्रोल की। 10 लीटर का ये फ्यूल टैंक है जो कि फुल्ली मेटल का है। यहाँ TVS का आपको 3D लोगो मिल जाता है, और ये E20 में आती है गाइस, यानी कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल डाल के आप उसमें चला सकते हैं आराम से। और यहाँ गाइस हैंडल में आपको मिल जाता है यहाँ आगे की तरफ येलो बटन पासिंग का, ये डीपर्स वगैरह हैं, ये आपको इंडिकेटर्स हैं, और ये हॉर्न है। यहाँ आपको मिल जाता है गाइस सेल्फ, ये सेल्फ में है, और सेल्फ के साथ साथ में आपको यहाँ गाइस किक भी मिलती है। ये किक है जो कि काफ़ी बढ़िया दे रखी है, अगर आपका सेल्फ ख़राब हो जाए तो आप इसमें से किक मार के स्टार्ट कर सकते हैं। और अब आते हैं गाइस इसके इंजन पे, तो इसमें 109.7 सीसी का इंजन है गाइस, और 8.18 bhp की पावर है जो कि 8.7 nm का टॉर्क देता है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर है गाइस। और 112 kg इसका वेट है, ये इसका लेग गार्ड है, वेट भी ठीक ठाक है गाइस। ये ब्रेक आया तो है, फुटरेस्ट भी इसके सही हैं, ऊपर से रबड़ के हैं, अंदर से मेटल में हैं। ये इसका पूरा मेटल का इसका ये साइलेंसर है गाइस, और इसका ये स्विंग आर्म भी आप देख सकते हैं गाइस, जैसा उसमें आता है स्प्लेंडर में उसी तरह का है। और पीछे की तरफ आपको ट्विन स्प्रिंग वाले सॉकर देखने को मिलेंगे आपको। और पीछे का जो टायर की बात करूँ गाइस, पीछे का जो इसमें अलॉय व्हील है वो 17 inch का है, और इस पीछे भी आपको इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे जो कि 110 mm के हैं। और पीछे का टायर है इसमें कौन सी कंपनी का है, ये भी गाइस TVS का है, और सेम टायर आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। ये नहीं, यहाँ 3.070 का टायर है गाइस, थोड़ा डिफरेंट है, आगे वाला थोड़ा पतला है, पीछे का थोड़ा चौड़ा है। और ये इसकी पीछे की गाइस टेल लाइट है, यहाँ TVS की बैजिंग मिल जाती है, ये हैलोजन वाले इंडिकेटर, और यहाँ आपकी नंबर प्लेट आती है, ये रिफ्लेक्टर है गाइस। और अब आते हैं इधर की तरफ गाइस, तो इधर जो है आपको साड़ी गार्ड मिलता है लेडीज़ के बैठने के लिए, ताकि साड़ी वगैरह या दुपट्टा टायर में नहीं आए। ये लेडीज़ के बैठने के लिए फुटरेस्ट है, ये बिलियन के लिए, और ये राइडर के लिए। अब इसमें गाइस गियर की बात करूँ, उसमें 4 गियर आते हैं जो कि पीछे की तरफ ही हैं, चारों के चारों पीछे को डलते हैं, आगे को निकलते हैं।
और इसका जो चैनसेट कवर है गाइस, अब हर कंपनी ज़्यादातर जो है चैनसेट कवर मेटल की जगह गाइस चेंज कर दिया है, जो कि रबड़ में दे रहे हैं, रबड़ में या फिर फाइबर में, ये फाइबर में है। और इसमें सिंगल आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है यहाँ पर गाइस। और अगर मैं सी साइड की बात करूँ उसकी, तो सी साइड जो है ग्राउंड से लेकर ऊपर तक 790 AM की सी साइड है और 175 AM का ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस, ताकि ब्रेकर वगैरह में नहीं लगे ये। और इसमें गाइस दो स्टैंड आपको देखने को मिलते हैं, एक मेन स्टैंड और एक ये साइड स्टैंड। यहाँ आपको स्पोर्ट की बैजिंग मिल जाती है, TVS स्पोर्ट, ये डूरा लाइफ के साथ में आपको देखने को मिलती है। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं जाते हैं तो ये सीट पूरी कंफर्टेबल है, इसमें आप 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, एक लेडीज़ और 3 लड़के, या एक बच्चा, 2 लड़के, एक लेडीज़। ये इसका ग्रैब रेल है गाइस, ये काफ़ी मजबूत है। और अगर आपको जॉब के पर्पस से ये बाइक चाहिए तो ये आपको मार्केट में 70 से 60 के आसपास आपको माइलेज दे देगी, निकाल के काफ़ी अच्छा इसका माइलेज है गाइस। तो अब बात करते हैं इसकी कीमत की, कीमत ऑन रोड कितने की पड़ेगी ये। तो गाइस अगर मैं इसकी ऑन रोड कीमत की बात करूँ तो ऑन रोड में आपको ये पड़ेगी 75,000 की ऑन रोड, जो कि काफ़ी सस्ती बाइक है। और शोरूम का एड्रेस और लोकेशन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, SBR शोरूम के नाम से है गाइस, यूपी में हावड़ा जिले में पड़ता है। एक बार आइए, वेट करिएगा, कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा।